नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज बैंक निफ्टी में जो है एक बहुत अच्छी मूव हुई। देखिए, कंटिन्यू हायर हाई बनते गए और यहां पर जो है हम लोगों ने एक अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट बनाया। मैंने भी अच्छा प्रॉफिट बनाया और हमारे ऑप्शन बैच के ग्रुप में जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं सबने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो देखिए, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम यहां पर आप लोगों के लिए डेली वीडियो लेकर आते हैं, बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस करते हैं। बिकॉज हम लोग ऑप्शन ट्रेडर हैं तो ऑप्शन ट्रेडर देखिए हम लोग को डेली बैंक निफ्टी की एनालिसिस जो है मैं आप लोगों के साथ यहां पर शेयर करता हूं। तो फाइनली यहां पर देखिए, जैसा कि आज आप ये बैंक निफ्टी की कैंडल देख रहे हैं, ये देखिए आज बैंक निफ्टी कैंडल जो है टोटली ग्रीन। मतलब आप कहीं पर भी ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब कहीं से नीचे से कोई सेलिंग का प्रेशर आया हो या ऊपर से कोई सेलिंग का प्रेशर आया हो। तो यहां पर आप देखिए, मतलब बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है जिसको हम कह सकते हैं फुलफिल ग्रीन। मतलब पूरी हरियाली, या मतलब आप यहां पर एक कह सकते हैं कि मतलब बहुत अच्छी और एक जबरदस्त कैंडल और एक बहुत जबरदस्त मूव हमको यहां पर देखने को आज बैंक निफ्टी में मिली है। तो यहां पर जैसा कि आप देखिए, अब यहां पर हमारे लिए ये जो 18 नवंबर की जो कैंडल थी, ये कैंडल और ये जो आज की कैंडल बनी है, अब इन दोनों का जो है हाई जो है नियर अबाउट आसपास ही है। जो पिछला हाई लगा हुआ था वो 29,784 का लगा था और आज फाइनली ने जो है बैंक निफ्टी ने 29,800 का लेवल टच कर दिया और 810 का हाई लगाया। तो यहां पर देखिए, हमने कंटिन्यू मॉर्निंग से ही हमको बहुत अच्छे ट्रेड मिलने यहां पर शुरू हो गए थे और हमने यहां पर ट्रेड बनाने शुरू कर दिए थे। तो चलिए हम इसको जो है 15 मिनट की कैंडल में एनालिसिस करते हैं। और देखिए, मैंने आपको कल जो है शाम को एक चार्ट भी पोस्ट किया था निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, और मैंने आपको कल की वीडियो में ये भी बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन नीचे से हमने ड्रॉ करके रखी हुई है, तो इस ट्रेंड लाइन से देखिए मे भी यहां से बाउंस बैक हो सकता है। क्योंकि यहां पर ये जो कैंडल हमको जो साइन हमको दिख रहा था, ये हमको एक बहुत अच्छा साइन दिख रहा था, तो यहां पर बाउंस बैक होने के पूरे पूरे चांसेस थे। तो फाइनली देखिए, आज ये बाउंस बैक हुआ भी और बहुत ही जबरदस्त बाउंस बैक हो जिसको हम कह सकते हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई पिछला स्विंग लो टच हुआ हो। तो मतलब अब देखिए, यहां पर देखिए, अब हमको कल को क्या करना है, कल के लिए हमारे लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, यहां पर हम कल क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए, अगर मैं इसको 30 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट करता हूं तो अब मैं आपको एक बड़ी पिक्चर दिखा सकता हूं। यहां पर देखिए, अब ये जो नीचे से ये जो ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करके रखी हुई है, ये जो ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही है, अब ये ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम कर सकती है अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ मूव करता है। तो फाइनली ये देखिए, अब ये 15 मिनट के चार्ट में चल के हम जो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस ये देखिए, अब मैंने 15 मिनट के चार्ट में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली है यहां पर। अब ये जो ट्रेंड लाइन है ये देखिए, अब जब तक हम कल बैंक निफ्टी में इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक हम यहां पर बुलिश हैं, तब तक हम ऊपर की साइड ही जाएंगे। हम यहां पर बेरिश कब होने वाले हैं या बेरिश होने वाले हैं, या कहने का मतलब है कि हमको सेल के ट्रेड मतलब हम कब एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन के नीचे। अब जब ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक होगा तभी हम जो है नीचे की तरफ देखेंगे। अदरवाइज जैसी आज बैंक निफ्टी में मूव दिखी है और जो डाटा जो ऑप्शन चेन में जो डाटा जो कह रहा है, वो ऐसा एक इंडिकेट कर रहा है कि कल जो है गैप अप ओपनिंग हो सकती है बैंक निफ्टी में। तो इस चीज के लिए रेडी रहिएगा। अगर आपने कोई भी बीटीएसटी ट्रेड बनाया है बैंक निफ्टी में या किसी बैंकिंग स्टॉक में, तो आपके लिए मे बी वो जो है अच्छा होने वाला है कल। तो यहां पर देखिए, अभी जो है ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो नीचे से हमने जो ट्रेंड लाइन की है ड्रॉ की है, इसके ऊपर तो हम मतलब फाइनली अभी बुलिश है। हम अगर देखिए, हम टोटली जो बेरिश होंगे, हम इस वाली ट्रेंड लाइन के नीचे हम बेरिश होंगे। इसको जो है मैं रेड कलर कर देता हूं, फिर आपको जो है अच्छे से दिखाई देगा। तो ये जो ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही है, इसके नीचे हम टोटली बेरिश होने वाले हैं। फिलहाल इसके ऊपर हम अभी बेरिश हैं। तो ये देखिए, ये जो इंट्राडे के लिए है ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करके रखी हुई है, तो ये इंट्राडे के लिए है। अगर देखिए, कल को मान लीजिए कोई बैड न्यूज कोई होती है, कोई मार्केट फ्लैश होती है, तो इसके नीचे देखिए हमारा पहला टारगेट, अगर मान लीजिए यहां पर फ्लैट ओपन हो जाता है कल, मान लीजिए गैप अप ओपन नहीं होता है, फ्लैट ओपन हो जाता है, तो फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हमारा यहां पर पहला टारगेट होगा 29,650 का और दूसरा टारगेट यहां पर होगा 29,450 का। देखिए, कल की वीडियो में मैंने आपको जो जो टारगेट बताए थे, देखिए 29,350 का टारगेट बताया था, 29,500 का टारगेट बताया था, 29,630 का टारगेट बताया था और 29,750 का टारगेट बताया था। तो फाइनली वो सारे टारगेट आज अचीव हो गए, क्योंकि बैंक निफ्टी में मूवमेंट इतनी जबरदस्त थी कि मतलब बैंक निफ्टी ने कहीं पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो अब देखिए, मैं कल के जो ट्रेड की हम जो एनालिसिस करेंगे उसके बारे में आप ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर यहां पर फ्लैट ओपनिंग होती है, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग होती है और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो मैंने आपको टारगेट यहां पर बता दिया
है कि पहला टारगेट 29,600 का होगा और दूसरा टारगेट जो है 29,450 का होगा। देखिए यहां पर इतनी अच्छी मूव के बाद मार्केट कल जो है वॉलिटाइल हो सकता है या साइडवेज भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसकी हम एक्सपेक्टेशन अभी हम नहीं कर सकते, कल बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद ही हम इसको देखेंगे। दूसरा देखिए यहां पर क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए यहां पर 29,800 के लेवल पर अभी 800 के ऊपर क्लोजिंग आई है, तो मान लीजिए यहां से 150 पॉइंट नीचे आने के बाद फिर जो है 29,810 का लेवल ब्रेक करता है तो ये परफेक्ट एंट्री होगी हमारे लिए और इस एंट्री को हम होल्ड कर सकते हैं, जो है 2 बजे तक 3 बजे तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है कि काफी अच्छी मूव कल जो है देखने को मिल सकती है। तो यहां पर देखिए फ्लैट ओपनिंग की मैंने दोनों साइड की बात बता दी कि नीचे की तरफ किस तरह करना है, ऊपर की तरफ किस तरह करना है। अब ऊपर का तरफ का एक बार आप दोबारा ध्यान से सुन लीजिए, मान लीजिए यहां पर 29,802 की जो है क्लोजिंग हुई है और यहां पर मान लीजिए 150 पॉइंट यहां पर नीचे आता है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग होती है और उसके बाद अगर 29,810 का लेवल फिर दोबारा क्रॉस करता है तो हम यहां पर जो है बाइंग साइड यहां पर जो है बहुत अच्छी एंट्री हमको वहां पर मिल सकती है। दूसरा देखिए क्या हो सकता है, यहां पर गैप अप ओपनिंग हो सकती है। अब मैं यहां पर वनडे का चार्ट लगा देता हूं, वनडे के चार्ट में हम जो एनालिसिस करेंगे। तो देखिए फिलहाल अब यहां पर हमको देखिए वीकली चार्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि पीछे अभी हमको लेवल नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब हम वीकली का चार्ट हमने लगा लिया है, अब हमारे लिए देखिए अगला टारगेट क्या होने वाला है बैंक निफ्टी में, वो 30,500 और 30,600 के नियर अबाउट होने वाला है। इन दोनों के बीच में हमारे ये टारगेट हो सकते हैं, मतलब हम देखिए ये टारगेट कल भी अचीव हो सकते हैं और शायद ये टारगेट अचीव होने में 2 दिन का टाइम भी लग सकता है। तो अभी हमारे बैंक देखिए अब जो है कल को आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी अगर कंटिन्यू ऊपर की तरफ ट्रेड करता है तो आपको कंटिन्यू स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते जाना है। अब देखिए आपको गैप अप ओपनिंग में क्या करना है, गैप अप ओपनिंग में देखिए अगर मान लीजिए कि एक मान लीजिए 2 मिनट की कैंडल में आप काम करते हैं तो वहां पर एक प्राइस एक्शन का वेट करिए। प्राइस एक्शन का वेट करने के बाद आप जब डे हाई ब्रेक होता है तो आप वहां पर ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब मैं गैप अप की बात मैंने आपको बता दी और फ्लैट ओपनिंग की बात बता दी, अब हम बात करेंगे गैप डाउन ओपनिंग की। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, देखिए अगर मार्केट में कोई भी गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, मान लीजिए अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गई 200-300 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग हुई और वहां से 150 पॉइंट और नीचे की तरफ जो है जर्नी करने के बाद अगर आपको 29,430-450-460 के लेवल पर मिलता है तो आप यहां पर एक बाइंग कर सकते हैं। बिकॉज यहां पर देखिए मैं आपको ये लेवल ड्रॉ करके दिखाऊंगा, देखिए एक ये लेवल यहां पर ये है। देखिए अब मैं आपको एक चीज और समझाऊंगा, देखिए लॉजिकली बात करूंगा यहां पर मैं आपके साथ बिल्कुल। अब ये देखिए अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो यहां पर हमारा जो है एक फर्स्ट बॉटम यहां पर बना हुआ है। अगर ये कल नीचे की तरफ आता है और नीचे की तरफ आने के बाद हमको कहीं इस लेवल पर मिलता है तो यहां पर हमारा डबल बॉटम पैटर्न यहां पर बनेगा और डबल बॉटम पैटर्न से जो है एक यहां से बाउंस बैक देखने को हमको मिल सकता है तो हम यहां पर भी ट्रेड बना सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो है मतलब अपना रिस्क मैनेज करके चलिएगा, रिस्क बहुत बड़ा मत लीजिएगा, स्टॉप लॉस छोटे छोटे रखिए। अगर स्टॉप लॉस आपके हिट होते हैं तो आप जो है दोबारा मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको जो है आज कंटिन्यू टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को ट्रेड बताए थे और वो ट्रेड देखिए बहुत शानदार चले, बहुत अच्छे भी चले। हमने भी 6 ट्रेड किए, 6 ट्रेड में हमने प्रॉफिट बनाया। 4 ट्रेड तो ऐसे थे जिसमें हमने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हमने बुक किया था। तो फाइनली देखिए अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। वहां पे देखिए मैं अपने ट्रेडिंग आइडिया शेयर करते रहता हूं, वहां पर मैं आधे आधे एक घंटे पर मैं आप लोगों को चार्ट पोस्ट करता हूं। वहां पर उसमें देखिए ट्रेंड लाइन होती है, सपोर्ट होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, मैं आपको वहां बताते रहता हूं कि देखिए अभी मार्केट में कौन सा सपोर्ट वर्क कर सकता है, कौन से रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट काम कर रही है या फिर किस ट्रेंड लाइन के आसपास है या फिर कहां से बाउंस बैक हो सकता है। ये सारी चीजें मैं आपको कंटिन्यू जो है देखिए मैं टेलीग्राम चैनल में अपडेट करता हूं और आपको देखिए उस हिंट से जो है बहुत अच्छे ट्रेड मिलते होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। देखिए मैं आपको वहां पर प्रॉपर लेवल्स नहीं दे सकता क्योंकि मेरे को 3-4 ग्रुप में जो है अपने कॉल्स वगैरह देनी होती है और मुझे खुद भी ट्रेड करना होता है। सो अगर आप चाहते हैं हमारा पर्सनल ट्रेड करना, अगर जो ट्रेड हम खुद करते हैं वही ट्रेड अगर आप करना चाहते हैं जो ट्रेड मैं ग्रुप में देता हूं तो आप हमारे साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको मैं अपने पर्सनल ग्रुप में ऐड कर लूंगा जहां पर मैं अपनी पर्सनल ट्रेड जो है शेयर करता हूं। वहां पर प्रॉपर लेवल्स होते हैं, किस लेवल पर एंट्री करनी है, कि कौन सा लेवल आपका स्टॉप लॉस है और कहां पर हमारा टारगेट है। टारगेट तो मैं मतलब वहां पर मैन्युअली मैं बुक कराते रहता हूं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे पर्सनल ग्रुप को तो आप हमारे साथ अकाउंट खोल के ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आइए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में कि स्टॉक्स ने किस तरह से आज परफॉर्म किया। तो यहां पर देखिए मैंने कल आपको बताया था कि बैंक अभी एक्सिस बैंक देखिए ये एक सपोर्ट लेवल है तो यहां से बाउंस बैक हो सकता है। अगर इसके नीचे ट्रेड करना 590 के नीचे ट्रेड करना चालू करता है तो हम जो है इस ट्रेंड लाइन तक हम जो है के लिए जा सकते हैं। अभी कल के लिए देखिए
क्या है यहां पर हमको करना है। अगर कल 623 के ऊपर निकलता है तो हम यहां पर बाइंग साइड जा सकते हैं। यहां पर हमारा पहला टारगेट होगा 630, 636 और 642 हमारे ये टारगेट होंगे। नेक्स्ट है हमारा बंधन बैंक। तो बंधन बैंक भी देखिए अभी अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही यहां पर ट्रेड कर रहा है, तो बंधन बैंक में अभी कुछ मत करिए, इसको रहने दीजिए। नेक्स्ट है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा 100 रुपए के नीचे का स्टॉक है, मैं इसको नहीं देखता हूं। नेक्स्ट है एचडीएफसी बैंक। देखिए आज जो बैंक निफ्टी को जो ऊपर लेकर गया वो एचडीएफसी बैंक ही था। एचडीएफसी बैंक के साथ कोटेक बैंक ने इसका साथ दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसका साथ दिया। तो देखिए कल की वीडियो में मैंने आपको यहां पर क्लियर कट बताया था और एक आपको फ्लैग पैटर्न बनाकर यहां पर बताया था कि देखिए यहां पर फ्लैग पैटर्न यहां पर बन रहा है, बिकॉज देखिए यहां पर पहले भी एक इस तरह का फ्लैग पैटर्न यहां पर बन रहा था। देखिए अभी इस फ्लैग जब ये फ्लैग पैटर्न बना था, देखिए लॉजिक को समझिए कि जो है मार्केट में किस तरह से ट्रेडिंग होती है, किस तरह से मूव होती है, आप किस तरह से पैसे बना सकते हैं। देखिए मार्केट में पैसे बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, बहुत बहुत ही आसान चीज है। देखिए अगर आप अपनी कुछ टेक्निक्स आपके पास है, कुछ अपने रूल्स डिसिप्लिन आपने बनाए हुए हैं, उसको अगर फॉलो करते हैं तो बहुत सिंपल तरीके से पैसे बना सकते हैं। बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत आसान चीजें हैं, सिंपल चीजों को फॉलो करिए, अपने चार्ट को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारा हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने आपको एचडीएफसी बैंक में बताया था, ये जो लेवल आपको दिया था मैंने 1420 का लेवल, मैंने आपको बताया था कि 1420 के ऊपर जो है जैसे ही मतलब सस्टेन होना चालू हो तो उसके बाद आप जो है इसको बाइंग साइड जा सकते हैं। और यहां पर फाइनली टारगेट 1440 का मैंने दिया था, तो यहां पर 1440 का टारगेट अचीव हो गया और 1445 का जो हाई लगा है। तो यहां पर देखिए कल आप जो है कल यहां पर थोड़ी सी वेट करिए, 1450 के ऊपर एक बार इसको ट्रेड करने दीजिए, उसके बाद आप एचडीएफसी बैंक में जो है बाइंग साइड जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक भी यहां पर देखिए मैंने आपको बताया था कि एक सपोर्ट लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, अगर आज ये सपोर्ट ब्रेक करते तो हम नीचे की साइड जाते, बट यहां पर देखिए मैंने ये सपोर्ट लेवल था तो देखिए यहां पर मतलब सपोर्ट तो यहां लेना बनता है। सो आज मार्केट ने यहां पर सपोर्ट लिया, अब हमारे लिए देखिए कल हमको किस तरह से इसको ट्रेड करना है। अगर आईसीआईसीआई बैंक में हमने जो है ट्रेड बनाना है तो हम ट्रेड बना सकते हैं 485 रुपीज के ऊपर। 485 के ऊपर हम अपना ट्रेड बनाएंगे, हमारा पहला टारगेट होगा 490 और दूसरा टारगेट हमारा यहां पर होगा 495। नेक्स्ट है हमारा इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक देखिए अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही यहां पर जो कल ट्रेड कर रहा था, कल ये जो कैंडल जो बनी थी ये थोड़ी एक बेरिश टाइप के कैंडल बन गई थी, बिकॉज यहां पर जो एक डबल टॉप पैटर्न सा मेरे को दिखाई दे रहा था। देखिए पहला टॉप ये हो गया और दूसरा टॉप ये हो गया, तो यहां पर डबल टॉप पैटर्न यहां पर दिखाई दे रहा था। तो फाइनली आज यहां पर डोजी कैंडल बनी है, अब हमको कल देखिए क्या करना है। अब इस डोजी का जो हाई लगा हुआ है वो 861 रुपए का लगा हुआ है, कल हम देखिए 861 रुपए के ऊपर अगर निकलेगा तो हम इसको बाइंग साइड जाएंगे, अदरवाइज देखिए अभी बैंकिंग में तो सेल साइड को अभी देखना नहीं है, अभी जो है मतलब इसको रहने दीजिए। हाँ कोई अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई ट्रेड मिलेगा तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में जरूर बता दूंगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए कोटेक बैंक। कोटेक बैंक अगर आपको याद होगा तो कल मैंने आपको बताया था कि यहां पर एक इनसाइड कैंडल बन रही है, मींस इनसाइड कैंडल कहने का मतलब एक बड़ी कैंडल, बड़ी कैंडल के अंदर एक ऐसी कोई कैंडल हो जो पिछली कैंडल ने जो अपने अंदर समा ली हो, तो इसको हम इनसाइड कैंडल कहते हैं। जैसे ये मदर कैंडल हो गई और ये बेबी कैंडल हो गई, इस तरह की कैंडल को भी हम इनसाइड कैंडल कहते हैं। तो हमारी इनसाइड स्ट्रेटेजी है, तो इनसाइड कैंडल का देखिए फाइनली जो है 95% जो है इसको हमको सक्सेस रेशियो हमको मिलता है, फाइनली इसको जो है कहीं भी हमको अगर ये इनसाइड कैंडल मिलती है तो हम इसको ट्रेड जरूर करते हैं। तो यहां पर देखिए कल मैंने आपको बताया था कि यहां पर 1905 के ऊपर हम यहां पर बाइंग कर सकते हैं, टारगेट जो है मैंने आपको यहां पर नियर अबाउट 1935 तक के टारगेट दिए थे, तो आज जो है कोटेक बैंक का हाई लगा वो 1948 का लगा, ठीक है। तो और यहां पर जो है क्लोजिंग आई है वो 1924 की आई है। तो यहां पर अभी देखिए कल हमको क्या करना है, कल हमको 1925 रुपए के ऊपर यहां पर ट्रेडिंग करनी है, 1925 के ऊपर हमारा पहला टारगेट होगा। देखिए 1925 के ऊपर हमारा 1940, 1960 और 1975 हमारा जो है कोटेक बैंक में कल का टारगेट होगा। नेक्स्ट है हमारा आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक देखिए अगर इसको आप बड़ी पिक्चर में यहां पर देखिए, मैं आपको बड़ी पिक्चर करके दिखाता हूं, ये देखिए ऊपर से एक जो ट्रेंड लाइन जो ऊपर आ रही है, तो अभी ये जो है यहां पर जो है इस ट्रेंड लाइन के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर सकता है नियर अबाउट 234, 235 के लेवल पर। तो ये लेवल का ध्यान रखिएगा, 200 अभी देखिए यहां पर दोस्तों 226 के पास आसपास जो है क्लोजिंग आई है, अभी 227 के ऊपर आप यहां पर बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं और 234-35 के आसपास एक हर्डल है, एक रेजिस्टेंस है, तो यहां पर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट है देखिए हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये देखिए यहां पर जो फाइनली इसने एक ब्रेकआउट दिया था, यहां पर 18 नवंबर की जो कैंडल आप देख रहे हैं, यहां पर एक जो है कंटिन्यू अच्छा मतलब यहां पर कर रहा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी यहां पर देखिए ये जो नीचे की तरफ आप कैंडल देख रहे हैं,
तो ये समझ लीजिए एक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चलती है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट जो जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग की होगी, देखिए जिन लोगों ने 190 के आसपास जो बाइंग की होगी, तो उनको यहाँ पर देखिए 250 का यहाँ पर टारगेट मिला है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, तो इसलिए मार्केट थोड़ी सी नीचे आती है। देखिए मार्केट में एक झिकझैक अगर आप फॉलो करते हैं, शायद आपको झिकझैक के बारे में अगर पता होगा, तो अगर नहीं पता है तो मैं उसके बारे में आप लोगों को एक वीडियो बना के बताऊंगा कि झिकझैक स्ट्रेटजी क्या होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर मार्केट मतलब 1 2 3 4 5 मतलब वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से, मतलब एक वीडियो बना के आपको स्पेशल मैं आप लोगों के लिए जो है पोस्ट कर दूंगा। तो अब देखिए अभी यहाँ पर हमको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कुछ नहीं करना है, हमको यहाँ पर वेट करना है 252 के ऊपर क्लोजिंग की, 252 के ऊपर ही हम इसको ट्रेड करेंगे, अदरवाइज अभी इसको हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर एक ट्रैप हो सकते हैं हम मे बी। अब देखिए यहाँ पर कल अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो 246 के ऊपर यहाँ पर बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं, बट वहां पर क्वांटिटी छोटी रखिएगा और स्टॉप लॉस अपना जो है बहुत स्ट्रिक्ट रखिएगा। 246 के ऊपर हमारा 248 टारगेट होगा, 250 और 253 यहाँ पर हमारे टारगेट होने वाले हैं। देखिए बाकी अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। देखिए मैं आप लोगों को वहां पर देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर मैं आपको पोस्ट करते रहता हूँ, शुरू मार्केट शुरू होते ही मैं देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है काम करना चालू कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए सवेरे सवेरे ही मैंने आपको यहाँ पर इस तरह का एक साइन बना के दे दिया था। यहाँ पर एक चीज आप ध्यान फोकस करिएगा कि मैंने आपको नीचे का एरो बनाकर नहीं दिया है, मैंने आपको जो है ऊपर का एरो मैंने आपको यहाँ पर बनाकर पोस्ट किया हुआ है। अभी यहाँ पर देखिए क्योंकि मेरा व्यू नीचे की तरफ का बिल्कुल था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्राइस एक्शन बनने की तैयारी थी, सो मैंने आपको ये ट्रेड बनाकर दिया था कि मतलब आप जो है यहाँ पर ऊपर की साइड जो है अपना ट्रेड बना सकते हैं। अब ये देखिए इसके बाद मैंने आपको ये ट्रेड अपडेट किया, ये देखिए ऊपर की तरफ कम से कम 150 पॉइंट्स हमको यहाँ पर मिल गए थे और हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया था। नेक्स्ट देखिए ये देखिए कितनी तरफ ये ऊपर की तरफ चलते चले गया, उसके बाद फाइनली यहां पर जो है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई थी। नेक्स्ट चार्ट देखिए, अब मैंने यहां पर देखिए एक चीज आपको यहां बताई थी कि यहां पर ये देखिए मैंने डबल टॉप भी यहां पर लिखा हुआ है, अगर ये अब ये डे हाई क्रॉस करेगा तभी हम ऊपर की साइड जाएंगे, अदरवाइज देखिए डबल टॉप पैटर्न क्या होता है, डबल टॉप पैटर्न एक ऐसा पैटर्न होता है जहां पर करंट हाई जो है मतलब प्रीवियस हाई के बिल्कुल कह सकते हैं मतलब बराबर होता है, तो ये डबल टॉप पैटर्न है, तो यहां पर मार्केट में जो है सेलिंग का थोड़ा प्रेशर देख सकता था मे बी ट्रेंड लाइन तक और इस सपोर्ट तक, ठीक है ना। तो यहां पर मतलब अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता फिर हम मतलब अगला ट्रेड यहां के लिए बनाते। अब यहां पर देखिए ये देखिए अब डबल टॉप पैटर्न ने किस तरह से काम किया, यहां पर डबल टॉप पैटर्न ने कम से कम हमको 200 पॉइंट हमको यहां पर मूव दिया था, तो हमने इसमें भी एक ट्रेड बनाया था और काफी अच्छा इसमें प्रॉफिट बुक किया था। अब ये देखिए मैं आपको यहां पर कंटिन्यू अपडेट कर रहा था कि ये देखिए अब एक ऊपर यहां पर ट्रेंड लाइन बन रही थी। देखिए मार्केट में टाइम टू टाइम सिनेरियो चेंज होते रहते हैं, मार्केट की सिचुएशन चेंज होती रहती है, हम एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, हमको न्यूट्रल चलना है, हमको देखिए हमने कोई व्यू बना के नहीं चलना है कि नहीं हम ऊपर की तरफ, हम बायर हैं तो हम ऊपर की तरफ ही जाएंगे, नहीं हम सेलर हैं तो नीचे की तरफ ही जाएंगे, ऐसा इंटरडे का व्यू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप इंटरडे ट्रेडर हैं तो आपका व्यू बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए। सो मैंने आपको ये बताया था कि अभी ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, अदरवाइज हम जो है नीचे की तरफ जाने वाले हैं। तो फाइनली देखिए ऊपर की थोड़ा सा मतलब नीचे की तरफ आया था, बट यहां पर देखिए एक सपोर्ट जोन था, मेरा कर्सर देखिएगा यहां पर सपोर्ट जोन था, सपोर्ट यहां पर लेने के बाद जो है देखिए मार्केट ऊपर की तरफ निकला, और ये मार्केट जब ऊपर की तरफ निकला तो हमको यहां पर मोर देन 300 पॉइंट यहां पर जो है मिले थे। देखिए ये 29,500 का लेवल था, ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, ब्रेकआउट आप देख रहे हैं, ये 29,500 की रेंज के आसपास था, और 29,500 के आसपास जैसे ही ये ब्रेक हुआ था उसके बाद हमने यहां पर जो है बाइंग बनाया था, तो 29,500 की कॉल ही हमने ली थी। अब ये देखिए मैंने थोड़ी देर के बाद इस चार्ट को मैंने अपडेट किया था और आपको बताया था कि देखिए मार्केट में किस तरह से मतलब यहां पर तेजी आ चुकी है, और फाइनली उसके बाद ये देखिए मैंने लास्ट चार्ट आपको पोस्ट किया था और बताया था कि 29,500 से 29,810 के आसपास की मूव हो चुकी है, 300 पॉइंट्स की मूव हो चुकी है। सो फाइनली देखिए हमने यहां पर 6 ट्रेड बनाए और 6 के 6 ट्रेड में हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया था। सो अगर आपने टेलीग्राम चैनल देखिए आप टेलीग्राम अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, आपको यहां से बहुत मदद मिलने वाली है। आपको यहां पर देखिए हिंट जो है कंटिन्यू मैं यहां पर देते रहता हूं, आपको चीजें बताते रहता हूं, समझाते रहता हूं, मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है, मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है, ये सारी चीजें मैं आपको वहां बताते रहता हूं, सिखाते रहता हूं। चलिए ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद।